गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहा है 3:30 हो रहा है और हम लोग उठ चुके हैं सेहरी के लिए। और आज है 8वां सेहरी। सो अभी तो मैं जस्ट उठी क्या हूँ, सोई ही नहीं हूँ। मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी, तो व्लॉग एडिट करते करते सर में दर्द हो गया, तो मैं अभी जस्ट 5 मिनट के लिए सोई 3 बजे। तो मैं तो जान ही रही थी कि नेहा भी मुझे उठाने ही वाली हैं, तो मैं थोड़ा देर सो गई। और मेरे सर में दर्द हो रहा है, ब्लॉग एडिट करने में बड़ा मेहनत वाला काम है। आप प्लीज़ देखें तो ज़रूर लाइक करें। मेरे वीडियोस में माना कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, जितने भी व्यूज़ आते उतने लाइक्स आ जाए तो उतना ही बड़ी बात होगी। सो प्लीज़ आप लाइक करें और मेरा जो भी मेहनत है उसको अप्रिशिएट करें। सो बस अभी जा रही हूँ सहरी करने के लिए। अभी ताज व तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। सो मैं देखती हूँ कि नेहा भी किचन में क्या कर रही है। सो नेहा पी, गुड मॉर्निंग, क्या बन रही है चाय? दूध बॉयल हो रही है चाय के लिए, पीने के लिए। यहाँ पे बटर है, ब्रेड है, सहरी में आज शायद ये है ब्रेड बटर है। और ये है बनाना शेक विद शिया शीर, है ना? सब्जे का बीज, ये सही है। गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, गुड नून। और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रही है 3:30 हो रही है। और सभी को जुमा मुबारक। ये रमज़ान का दूसरा जुमा है, आज ही के दिन रमज़ान स्टार्ट हुई थी। कितनी जल्दी वक्त बीत जाता है। सो सभी को जुमा मुबारक। और अभी तो मैं जा रही हूँ किचन, नेहा पी कामों में लगी हुई है। नेहा पी, सो मैं आ गई हूँ किचन में। नेहा पी किचन में तैयारियों में लगी हुई है। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह से दो जुमा हो चुका है, माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा से गया। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। रात से बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बिजली चमक रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था रात में, लेकिन देखिए अभी का मौसम बहुत अच्छा सभी रोजेदारों के लिए, माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा। और यहाँ पे तैयारी कर रही है, अभी 3:30 हो रहा है, फिर भी यहाँ पे अभी से तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि आज जाने वाली है अफ्तारी मस्जिद में। तो यहाँ पे तैयारी कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ने क्या क्या तैयारियाँ कर ली है। सो ये है स्टफ, आलू की ब्रेड पकौड़ा बनेगी आज। और यहाँ पे है बैगन, बैगनी के लिए। और यहाँ पे एग बॉयल करके रख दिया गया मसाला के साथ, एग पकौड़ा बनेगी। और ये फुल्की की है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ फ्राई करने का है। यहाँ पे बैटर बना हुआ है बेसन का, और यहाँ पे चना भी रेडी है। अभी आज आप क्या बनाने वाली हैं? एक मीठा बनाएंगे। ओके, मीठे में क्या, उसका नाम? इसका नाम क्या तो है, सब को बहुत पसंद आता है हम लोग के घर पे। तो हम लोगों ने निकनेम क्या रखा है उसका? उसका नाम फूफी लोग बोलती बम, तो हम लोगों ने रखा उसका नाम स्वीट बम। स्वीट बम, हाँ स्वीट बम, ऐसा नाम रख दिया है। तो नेहा पी अभी नारियल कट कर रही हैं, और हम लोग आपसे वो रेसिपी भी शेयर करेंगे इसमें जैसे जैसे बनाएंगे। हार्ड लग रहा काटने में, लाइए मैं काट दूं? नहीं कट लो, मैं नेहा पी के हाथ भी ये इंजर्ड हो गई है, पूरा चमड़ा निकल गया है, पूरा हाथ ही हो गया है, देखिए पूरा यहाँ पूरा कट गया एकदम, बहुत ही तकलीफ में है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रमजान में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ, छुरी से भी प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। स्वीट बॉम्ब बनाने के लिए नेहा पी ने नारियल कट कर लिया है। इसमें कच्चा नारियल होता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब कच्चा नारियल नहीं ला के हम, मेरे पास था ये पूरा गोला, तो हम सोचा इसी से बना ले इसको, तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये हो गया है, अच्छे तरीके से हो गया है, ये ऐसा ही चाहिए था एकदम। बाहर में जो मिलता है उसका नारियल का जो बुरादा बोलते, क्या बोलते उसको, हाँ नारियल के बुरादा से भी बन सकता है। यहाँ पे नारियल पीस गई है, अब यहाँ पे आगे का स्टेप बताएंगी। ये ताज भाई की फेवरेट है, रमजान में वो एक बार जरूर बोलते हैं कि बनाना है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, बहुत बार बोलते मतलब बनाना है भाई।
ये वाला तो वो रमजान स्टार्ट होने से पहले बोल देते कि ये वाला जरूर बनाना नेहा। इसमें बादाम और काजू भी ऐड कर ले रहे थोड़ा टेस्ट के लिए। इसमें चाहे तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, खोवा मा तो दर्रा रखना है। चीनी का पाउडर डाल देंगे अपने हिसाब से, जितना मीठा आप खाते हो उस हिसाब से उतना चीनी। यहाँ दूध ले रहे हैं ऐसे खुशबू के लिए थोड़ा एसेंस। यहाँ पे कट कर लिया ब्रेड को, उसके बाद सो यहाँ पे इसको डिप करेंगे मिल्क में, उसके बाद अपने हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे, प्रेस कर के इस तरीके से अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर इसमें स्टफ ऐसे करके स्टफ डालेंगे अपने हिसाब से, फिर पूरा चारों तरफ से ऐसे करके अपने हाथों से इसको बंद कर लेंगे। बहुत आसान, बहुत इजी है, तो कोई टेंशन का चीज़ नहीं। देखिए तुरंत वो ये हो गया, पूरा सिमट गया हाथ में बस इस तरीके से। और अगर ज़रूरत पड़े दूध का और आप ले सकते हैं उसको बांधने के लिए, और अच्छे तरीके से दाब लें ताकि वो फटे ना। देखिए जैसे यहाँ से खुल रहा था, उसको अच्छे से दाब लेंगे। बस हो गया हमारा स्वीट बॉम्ब रेडी, अब ये फ्राई हो जाएगा। तरीके से बना बना के रख ले। और सोना को देखिए कितनी क्यूट लग रही है, दिखा पापा की टोपी पहनी हुई है, भाग रही, कहाँ भाग रही हो? अरे 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 अरे, अरे। गाइस को बोल दो, अरे जुमा मुबारक नहीं बोलना है, छोड़ो जाओ, गिर जाओगी, संभल के। देखिए खेल रही है। ठीक है मैं भी छुप जाती हूँ। सो ये थी हमारी स्वीट बॉम्ब रेसिपी, ये बहुत ही सिंपल एंड इजी थी। आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके ज़रूर कमेंट करें। एंड सोना यहाँ पे बहुत ही क्यूट लग रही है, पापा की टोपी पहनी है, सभी को बोल दो जुमा मुबारक, अच्छे से बोलो जुमा मुबारक, आप सभी को जुमा मुबारक। सो जीजू आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जीजू, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं कुर्ता पजामा में। साजिया भी आ गई है, जुमा मुबारक जीजू, दूसरा जुमा मुबारक हो आपको, बेगम को, बेगम को भी जुमा मुबारक है। और मिस हो गया जीजू जी, ठीक था ऐसी बीवी सबको मिली, मेरी बीवी देखिए एक बार बोले हैं मेरी बीवी बना दी, अभी तारीफ ही कर रहे थे कि नेहा ताज भाई को पसंद, इसीलिए नेहा प्याज बना रही है। शुक्रिया, बस खाने का चीज में बस शुक्रिया, बस खाने का चीज दे दो। जीजू जीजू पक्के वाले फूड लवर हैं, बड़े वाले फूड लवर हैं। गाइस यहां पे बनाना शेक बन रही है, तो इसमें हम लोगों ने दूध में केला और बर्फ डाल दी है, तो ये छोटे वाले पॉट में नहीं हो रही थी तो बड़े वाले में कर रहे हैं। और इसमें फूलने दे दिया है शिया सीड्स, जो कि बनाना शेक में जाएगा। ये शेक रेडी हो चुका है, और इसमें जब ये फूल जाएगा तो इसमें डालेंगे, ये काफी फायदेमंद भी होता है। और सोना ये आपने पापा के साथ फुटबॉल खेल रही है, अरे सो गाइस असर हो चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं फ्राई करने के लिए, क्योंकि आज मस्जिद में जाने वाले तो ज्यादा टाइम लगेगी। मैं अभी यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बना रही हैं।
मैं आप ही बना रही हूँ यहाँ पे एक पकौड़ा, जैसा रोजी आप ही ने बनाया था उस तरीके से बनाने की कोशिश चल रही है। इफ्तार रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, अभी और भी हो रही है। ये सब मस्जिद में जाने वाली इफ्तारी है। सोना भी जिद करने लगी है जाने के लिए, ताज भाई जा रहे हैं मस्जिद में देने के लिए, तो ठीक है, बाय बाय, तुम भी जा रही हो, ठीक। सो गाइस सब कुछ टाइम से हो गया था, इफ्तारी भी मस्जिद चली गई, हम लोगों की भी इफ्तारी बन गई है, बस अब टाइम हो चुका है, बस 10-20 मिनट बाकी है, रोजा खोलेंगे। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया। और सोना को यहाँ पे चोट लग गई है, लगता है गिर गई है, हम लोग वहाँ किचन में थे तो यहाँ लग गया, डरा देती है आदमी को एकदम। क्या हो गया सोना, चोट लग गया? सो गाइस बनाना शेक रेडी है और इसमें रूह अफ़ज़ा डाला जा रहा है। अशिया सीट भी डल चुकी है, बड़ी टेस्टी लग रही है देखने में। सोने आप ग्लास में गार्निशिंग कर रही, बोलो शेक पी लो, हाँ बाना शेक है, बाना शेक है। सो गाइस हम लोग इफ्तारी पे बैठ चुके हैं, टाइम हो चुका है, बस अब होने ही वाली है। गुलाबो लग रही, शुक्रिया। और आप तो हरियाली लग रही हैं, टमाटर लग रही, टमाटर लग रही है। ऑपरेशन थिएटर थिएटर का पर्दा, ऑपरेशन थिएटर का बेड, मास्क मास्क भी और वो ड्रेस रहता है, यही पहन के ऑपरेशन करता है ना। हाँ जीजू, आपको क्या लग रही है? हम लोग इधर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में यही था। सो गाइस बस अब हम लोग इस पे बैठे हैं, हो गया जोक सपाट, हाँ दुआ कीजिए आप लोग, कौन बैटिंग कर रहा है? वो तो देख रहे, प्लेयर का नाम पूछ रहे। सो गाइस आज से आईपीएल स्टार्ट हो चुकी है। शाम की चाय आ चुकी है और मैं अभी चाय पी रही हूँ, बस आज का रोजा
कम्प्लीट हो चुका है। तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।